नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फंडलाइन बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रुप डी एग्जाम डेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं और रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। साथ में ही उनको अपना फ्यूचर भी अब धीरे धीरे उनको ब्लैक दिखने लगा है कि भाई आगे जब कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई आपके पास रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो हम करें क्या। ठीक है, सो उनमें से सारे लोग आप चाहते हैं कि कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट हमें मिले, कोई ना कोई ऐसी खबर मिले जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जगा सके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम बात करें फिलहाल के लेटेस्ट अपडेट की, तो अभी एक दो दिन के अंदर ही एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया था। ठीक है, और उस ट्विटर कैंपेन में आप नंबर 4 पे ट्रेंडिंग कर रहे थे यूट्यूब के, ट्विटर के ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन नंबर 4 पे ट्रेंड करने के बाद भी सरकार की तरफ से अपना कोई भी रुख जो है वो क्लियर नहीं किया गया कि आपकी डेट कब आएगी, एनटीपीसी रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, या फिर आपका सीबीटी 2 की एग्जाम डेट क्या होगी। सीबीटी 2 की एग्जाम डेट तो जब डिक्लेयर की जाएगी जब पहले रिजल्ट आएगा। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी जो ये हालात बन रहे हैं, यहाँ पे आपने पहले ट्विटर का चलाया था महा आंदोलन जो चलाया था, जिसपे आप नंबर 1 पर ट्रेंडिंग पर भी आ गए थे। ठीक है, उस समय ही जब सरकार नहीं चेती तो नंबर 4 पे तो चेतने का मतलब ही नहीं है। सो यहां पर जो लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि भाई अब सरकार को ट्विटर से फर्क पड़ना बिल्कुल बंद हो गया, और ये कहना कि अब फर्क पड़ना बंद हो गया बिल्कुल ही मूर्खता होगी, क्योंकि जब आपने महा आंदोलन चलाया, जब आपके नंबर 1 पर आए थे तभी उन्हें फर्क नहीं पड़ा, तब तो फड़ना बिल्कुल ही कोई उम्मीद करना ही बेकार है आपके पास। ठीक है, चाहे आप मेल कर लो, चाहे आप उनके पास भेज दो, आप आरटीआई लगा लो, चाहे आप ऑफिस में मिलाओ, चाहे आप रेल मंत्री से मिलाओ, लेकिन कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सरकार की बिल्कुल ज्यादती हो चुकी है। कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर उठ चुका है अब आपके लिए। ठीक है, जब ट्विटर जैसा हथियार ही जहां पर चेतना नहीं आ रही उनको, तो आप सोचो अब आपके पास क्या बचा है। अब आपके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोटेस्ट। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हमारे देश के किसान, जो एक अच्छी खबर है, किसान जो अन्नदाता है वो अपने अधिकारों को जीत गए हैं, तीनों कानून वापस होने का ऐलान हो चुका है, और जो भी शीतकालीन सत्र आएगा संसद का उसके अंदर उन्हें रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो कर दी जाएगी। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं जब किसान जीत सकते हैं तो क्या आप क्यों नहीं जीत सकते, हमें भी फिजिकल प्रोटेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आई एग्री कि फिजिकल प्रोटेस्ट जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, और लोकतंत्र में आपकी जब अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो फिजिकल प्रोटेस्ट इज योर फाइनल वेपन, जो है आपका हथियार बच जाता है, वही आपको करना चाहिए। बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि किसानों ने जो प्रोटेस्ट किया और जो आप प्रोटेस्ट करेंगे उसमें लॉट ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, देखिए, किसानों के पास करो या मरो की स्थिति हो रही थी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, देशव्यापी आंदोलन था, सभी किसान जो थे वो इकट्ठे हो गए, ठीक है, एक जगह पे। तीसरी बात, साल भर तक वो एक जगह पर बैठे रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट साल ही मानेंगे हम। ठीक है, साल भर तक वो एक ही जगह बैठे रहे हैं, डटे रहे हैं, यहाँ तक कि उनके साथ इतनी ज्यादतियाँ हुई हैं, उनके साथ उनके लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए, कीले लगा दी गई, लोहा बिछा दिया गया, कई बार मुठभेड़ों में उनकी हत्याएं भी हो गई कई किसानों की। ठीक है, शहीद भी हुए कई, बहुत से किसान इस आंदोलन को लड़ते हुए। तो इन सारी चीजों के बीच में उनके आंदोलन में और आपके आंदोलन में फर्क होने वाला है। ठीक है, पहली बात यह है कि क्या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या आपके अपने हैं, क्या आप उस लेवल पर पहुंच पाओगे जिस लेवल के ऊपर किसान पहुंच पाए हैं। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर किसानों का भी हो गया तो हमें भी जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। देखिए, जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट क्या जिस जोश के साथ या जिस पर्पज के साथ किसान बैठे थे डटे हुए, क्या आप उतना बैठ पाओगे? क्या आपके फैमिली में आपके फादर मदर ये सारी चीजें आपको बेच पाएंगे? और अगर आप मुट्ठी भर लोग ही दिल्ली जाते हैं, अगर आप मुट्ठी भर लोग ही आप कहीं कहीं अगर आप टुकड़ों में करते हो, आंदोलन करते हो, तो क्या उसका उतना इंपैक्ट पड़ पाएगा जितना कि आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को किसानों से? ठीक है ना, तो यहां पर मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट शोइंग यू द रियलिटी कि मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि भाई आपकी रियलिटी क्या है। ठीक है, उनके अंदर और इनके अंदर जोश से काम नहीं होगा। ठीक है, एक देशव्यापी अगर आपको ये बनाना है तो टुकड़ों में नहीं, एकजुट होना पड़ेगा, चाहे देश के आप किसी भी कोने से हो, चाहे आप बंगाल से हो, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, आपको एक सेंटर पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा और वहां पर आपको अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, बजाय कि अपने होम टाउन में या अपने अपने आरबीसी में। ठीक है, जहां जहां आपके आरआरबी होंगे वहां पर जो आप करोगे कि भाई आप आरआरबी में अपना लखनऊ कर रहा हूं, मैं अपना
चंडीगढ़ कर रहा हूँ, मैं अपना कहीं कलकत्ता कर रहा हूँ, तो वहां पर आप कितनी भीड़ जुटा पाओगे, वो भीड़ का कोई व्यापक नहीं रहेगा, वो तो आप अब भी झंडे उठा लोगे तब भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। सो ये सारी रणनीतियां तय की जाएंगी। जोश में अभी कुछ नहीं, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमारी किसी सर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमें चलना चाहिए, अभी तैयार कर लो अपनी फौज को, और हम चल रहे हैं अभी आने वाले 21-22 तारीख को। तो देखिए सभी टीचर मिलकर 21-22 तारीख को एक मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मीटिंग में एक प्रोपेगेंडा वहां पर डिस्कस किया जाएगा कि भाई क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़े सारे चीज को बार बार आप सोचो कि आपको एक बार आंदोलन आपने कर लिया और आंदोलन के बाद आपको खदेड़ दिया गया या आप सफल नहीं बना पाए, तो दोबारा आप उतनी भीड़ को इकट्ठा कर पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि पहली बार का जो जोश होता है वो दूसरी बार में ठंडा हो जाता है, क्योंकि पता लग जाता है कि भाई दूसरी बार में होगा या नहीं होगा, जो भी होगा, ठीक है, एनी हाउ जो भी है। तो एक इनके ऊपर मीटिंग चल रही है, सारी मीटिंग होने के बाद आपको बता दिया जाएगा और उसी के बेस पर ही फिर पूरी रणनीति जो है वो तय की जाएगी। इसी के साथ में ही बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, हमारा एग्जाम नहीं हो रहा। तो देखिए बात यह कुल मिला के मेरे भाई कि अपने आप को आपको रखना है किसी ना किसी एग्जाम में बिजी, ठीक है। रेलवे एक एग्जाम है, रेलवे जिंदगी नहीं है, ठीक है ना। रेलवे सिर्फ एक एग्जाम है, जैसे कि आप SSC HSC UPSC जो भी देते हैं वो एक एग्जाम है, वो लाइफ नहीं है आपका, ठीक है। माना कि आपका टारगेट वो है, मानना कि आपकी ड्रीम जॉब वो है, लेकिन सपनों को भी हालात के आगे मान झुकाना पड़ जाता है, सपनों की भी कुर्बानी देनी पड़ जाती है, ठीक है ना। सो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वही रीजनिंग, वही GK, वही इंग्लिश, वही मैथ, सब कुछ वही आता है, किसी और एग्जाम की तरफ आप स्विच कीजिएगा। जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आती है वो तो आपके हाथ की बात है, आपने तैयारी कर रखी है, आप उसे फर्स्ट चांस में क्रैक कर देंगे। बट तब तक के लिए ऐसा ना हो कि आपकी जो ग्रुप डी है या और एग्जाम है वो हो भी ना, इनके पीछे इसमें भी सिलेक्शन ना हो, और बाकी एग्जाम भरने के लिए आपकी जो एज है वो भी चले जाए, ओवर एज होके बैठ जाओ, और बाद में फिर आप कहीं ना कहीं नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर में या कहाँ पर, जहाँ पर भी अब कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। सो इन माई ओपिनियन, एज ए योर वेल विशर, एज ए योर मेंटोर, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, फॉर्म भरते रहिए, इवन आप फॉर्म सारे लगा दीजिए, ठीक है। पेपर देना ना देना बात की बात है, इनकेस अगर ये रेले होता है कहीं और एग्जाम आपको अगर सेम अगर मिलता है तो आप वहां पर एग्जाम दीजिए, अपने चांस कीजिए, ताकि अगर कल को मान लो आपने 4 पेपर लगा दिए और उनके पेपर 1 साल बाद भी हो रहे हैं तो आपको ओवर एज होने का खतरा नहीं होगा, क्योंकि 1 साल बाद अगर आप पेपर भरेंगे तो हो सकता है आपकी एज आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाए, और अब भरेंगे तो वही पेपर आपको देने दिया जाएगा, चाहे फिर आपका वो पेपर 50 साल की उम्र में लिया जाए, ठीक है। सो अपने आप को व्यस्त रखो, तैयारी करते रहो, पॉजिटिव रहो, और पेपर की तरफ भी आप अपना रुझान रखो, और साथ में धीरे धीरे जैसे भी अब जो अपडेट मिलेगा फिजिकल प्रोटेस्ट की जो भी रणनीति तय होगी 21 तारीख को वो आपके पास डिलीवर कर दी जाएगी। तब तक के लिए बस यही अपडेट था, बाकी सरकार जो है वो बिल्कुल सोई हुई है, उनको जगाने के लिए अब नगाड़े की जरूरत है। अब वो नगाड़ा किस डेट को किस अंदाज में बनेगा वो आपको सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।